अस्सलाम वालेकुम जी। फंडामेंटल ऑफ फिजिक्स सैलिडे रेजनिक वालकर का 10th एडिशन है, चैप्टर 26 ग्रंट एंड द रेजिस्टेंस प्रॉब्लम 45। हमारे पास एक 1250 वाट का रेडिएंट हीटर है जिसे कंस्ट्रक्ट किया गया, ऑपरेट किया गया 115 वोल्ट पे, ठीक है, यानी 115 वोल्ट पे चला रहे हैं। करंट बताना है जब वो यानी एक यूनिट ऑपरेट कर रहा होगा, फिर रेजिस्टेंस बतानी है हीटिंग कॉइल की, फिर थर्मल एनर्जी एक घंटे में कितनी खर्च होगी। तो P इज इक्वल टू IV का कंसेप्ट है, पावर पता है, पोटेंशियल डिफरेंस पता है, तो करंट निकाला जा सकता है 10.9 एम्पीयर। अब आपके पास हमें पोटेंशियल डिफरेंस पता है, करंट पता है, तो रेजिस्टेंस निकाली जा सकती है ओहम लॉ से, V इज इक्वल टू IR, तो ये 10.6 ओहम आ जाएगी। फिर एनर्जी कंजम्पशन पर यूनिट टाइम पावर कहलाता है, तो पावर भी पता है, टाइम भी पता है, तो दोनों P और T को जरब देंगे तो आपके पास एनर्जी कंजम्पशन आ जाएगी कि भाई 4.5 × 10⁶ जूल की वो थर्मल एनर्जी प्रोड्यूस करेगा। तो ये हमारे पास सलूशन है। अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो, डाउट हो, नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।